नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जड़ है कंटोला या ककोरा का, जिसे हम स्पाइन गॉर्ड भी बोलते हैं। इसके लगाने का टाइम आ चुका है, इसलिए आज मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह जमीन के अंदर लगा देना है कुछ ऐसे, और ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। इस तरीके से ढकने के बाद इसमें पानी देते रहना है, और करीब 15-20 दिन में इसमें पौधा तैयार हो जाएगा। और इसके लगाने का यही सीज़न है, मतलब ये मार्च का मंथ चल रहा है। और अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो इस महीने में लगा सकते हैं, तो बारिश के टाइम में लगाइए। अब देखिए, 15 दिन के बाद मैं आपको अपडेट करके बताता हूँ क्या हो रहा है इसमें। आप देखिए दोस्तों, 15 दिन पहले मैंने यहाँ पे जो रूट लगाया था कंटोला का, ककोरा का, उसका प्लांट इस तरीके से तैयार हो चुका है। और ये 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इसको लगे हुए, ये कितना बढ़िया प्लांट जर्मिनेट हो गया है। इसमें बस पानी की ज़रूरत है अभी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और पानी नहीं मिलेगा इसको तो सूख जाएंगे पौधे। लेकिन इसका रूट जो है वो इंटैक्ट रहेगा, और बारिश में फिर से इसमें पौधे निकल आएंगे। लेकिन इसी को ग्रो करना है तो इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, कि पानी की कमी ना हो। और जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आप बने रहिए इसी तरह। ये देखिए दोस्तों, उसी कंट्रोलर को लगे हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं, और हमारे प्लांट में अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और इसमें फ्रूटिंग अच्छे तभी होंगे जब इसको ऊपर क्रीप करने के लिए, इन रनर्स टाइप के प्लांट्स हैं, इनको ऊपर चढ़ने के लिए अच्छे से सपोर्ट हम तैयार कर दें। इसलिए देखिए, जितना प्लांट्स हमने लगाया था सबको हमने सपोर्ट लगा दिया है कुछ इस तरीके से। देखिए प्लांट्स ऊपर जा रहे हैं, सॉरी। देखिए बैम्बू का हमने सपोर्ट लगा दिया है इसमें सब में, और काफ़ी ग्रोथ हो गया है प्लांट्स में, क्योंकि लगभग 2 महीने होने को जा रहे हैं इसको लगे हुए। देख रहे, काफ़ी लंबे हो चुके हैं प्लांट्स, और लगभग 1 महीने में इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो देखते हैं 1 महीने के बाद क्या पोजीशन रहता है इसका, मैं आपको अपडेट करूंगा, आप वेट कीजिए जब तक। अब देखिए दोस्तों, मेरे प्लांट को लगे हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, और 3 महीने के बाद मैं दिखा रहा हूँ इसमें कितना ग्रोथ हुआ है। इसकी हाइट लगभग 5-6 फीट की होने जा रही है, लगभग 6 फीट का हो चुका है, मेरे हाइट से भी ज़्यादा हो चुका है। देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें पानी बहुत है, हमेशा इसमें पानी रहता है, इससे पानी की कमी नहीं है। लगाने से पहले हमने एज यूजुअल हमेशा की तरह गोबर खाद और जले हुए लकड़ियों की राख, और साथ में सैंड मिला के हमने सॉइल प्रिपेयर किया था, और उस प्रिपेयर सॉइल में ही इसको लगाया था। अब देखिए इसमें थोड़ी बडिंग भी हो रही है, ये देखिए आपको दिखेगा, देखिए मेरा बडिंग स्टार्ट हो गई है फ्लावर्स के लिए, और ये फीमेल फ्लावर है, हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि फ्लावर के पीछे साइड में एक बड़ है फ्रूट का। देखिए कितना जल्दी 3 महीने के अंदर इसमें बडिंग स्टार्ट हो गया है, और जैसे ही फ्लावरिंग चालू हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा, लगभग 1 महीने और लगेंगे सभी प्लांट्स में फ्लावर होने लगेंगे। और आप बने रहिए इसी तरह, मैं आपको सारे अपडेट्स टाइम टाइम पर देता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा था कि मेरे प्लांट को लगे हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं, और इस तरीके से फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं इसमें होना। देखिए ये कंटोला के फ्लावर्स हैं, देख रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है, और अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं, सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, इसमें मेल फ्लावर्स एक भी नहीं है, इसलिए ये अभी रुकेंगे नहीं, ये गिर जाएंगे। क्योंकि कंट्रोलर में क्या होते हैं कि मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, और जब तक मेल फ्लावर्स नहीं आएंगे इसमें तो फीमेल फ्लावर्स कोई भी नहीं रुकेंगे। इसलिए हमें अभी इंतज़ार करना है कि कितना जल्दी मेल फ्लावर्स हो और हमारा
कंट्रोलर जो है वो फरना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे सारे वीडियोस मेरे टाइम पे आपको मिलते रहें। थैंक यू।